बजट में दौसा विधानसभा क्षेत्र को कई सौगातें मिलने पर विधायक मुरारीलाल मीणा और बांदीकुई के विधायक जिया खटाना का भव्य स्वागत किया गया। विधायक को बैंड बाजे के साथ फूलमालाएं पहनाकर दौसा बाईपास से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक लाया गया। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान डीसी बैरवा, सभापति ममता चौधरी और कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वैसे तो दौसा जिले को हर साइड में चाहे रेवेन्यू का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सारी चीज पूरे जिले को घूम मिली है। जितना हम लोगों ने मांगा उतना मिला। दौसा जिला ऐसा जिला है जो राजधानी के बहुत नजदीक का जिला है और बहुत लंबे अरसे से विशेषकर हम और बाजी विधायक जी आर कठड़े की डिमांड थी, पायलट साहब के टाइम से थी। बड़े पायलट साहब ने कभी स्वप्न में कल्पना करी थी उन्होंने और दौसा में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, और उसी के तहत एक बार यहाँ मोदी टायर का भी सिलेबस किया गया था। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर बस्सी जयपुर दौसा के नाम से डिक्लेयर हुआ है। विधानसभा सत्र अभी जो हुआ राजस्थान के अंदर, उसमें गहलोत साहब, पायलट साहब मेहरबानी रही कि दौसा में विधायक हमारे मुरारीलाल जी मीणा है, उनका पूरा ध्यान रखा गया। दौसा के अंदर कई ऐतिहासिक काम जैसे नीम राणा की तर्ज पर, भिवाड़ी की तर्ज पर हमारे यहाँ NH21 पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जैसे घोषणा माननीय गहलोत साहब ने 2 दिन पहले के लिए। उसके अलावा दौसा के अंदर अभी 10 दिन पहले विधानसभा सत्र चल रहा था, उस टाइम पे भी बजट में दौसा के अंदर सैतल को तहसील बना गया, हमारे कुंडल बड़ा कस्बा है उसको तहसील बना गया, नांगल राजा उत्तान में एक छोटा औद्योगिक क्षेत्र पास किया, और सबसे बड़ा लवाण तहसील के अंदर SDM कार्यालय ऐसे। उसके मंत्री महोदय ने दौसा जिले को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। मुरारीलाल मीणा, मुरारीलाल मीणा। मैं समझता हूँ दौसा जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, दौसा जिले के लोगों के लिए रोजगार और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित होगा, दौसा के जो व्यापारी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगा पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में दौसा एक बहुत विकसित जिला होगा।